वेलकम टू सैलपुत्री चैनल। आज मैं आपको एक कहानी जो कविता के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है फिर घर में बेटी हुई है। आंचल में अपने मुंह को छिपाए, ओठों से कसकर रुलाई दबाए, बड़ी सी हवेली की मछली बहू जो बिस्तर में लेटी हुई है कि फिर घर में बेटी हुई है। सासू जी उसकी उससे खफा है, नंदी भी रूठी हुई है, उसके ससुर की उसके ही कारण मोहल्ले में हेठी है कि फिर घर में बेटी हुई है। उसका बलम जब शहर से था आया, सन्नाटा देख के वो चकराया, अम्मा ने रो रो कर दुखड़ा सुनाया, बेटा कहे क्या क्या हम बताएं, अपना दुख कैसे सुनाएं, खुशी तो हमारी सारी ही माटी हुई है कि फिर घर में बेटी हुई है। ना जाने क्या खोट है इस बहू में, या है कुछ कमी फिर इसके लहू में, ना जाने पीहर में क्या इसने खाया, अभी तक जो इस घर में पोता न आया। बेटा हंसा बात अम्मा की सुनकर, लाई हो तुम जिस बहुरिया को चुनकर, नहीं कोई खोट उसमें ओ मैया, वो तो बेचारी है सीधी सी गैया। अभी तक जो इस घर में पोता न आया, जिम्मेदार उसका तुम्हारा ही जाया। बेटी का होना अगर पाप है, तो जिम्मेदार उसके लिए बाप है। बताओ मुझे तुमने था क्या खिलाया, जो अब तक यहाँ पोता ना आया। बताओ कमी क्या है मेरे लहू में, निकल जाऊँ या रहूँ मैं, मोहल्ले में मेरी बेटी के कारण नहीं कोई हेटी हुई है, मेरे घर में बेटी हुई है। खुश हूँ बहुत मैं जो मैंने है पाया, हो बेटा या बेटी सभी मन को भाया। बड़ी होगी बिटिया इतना पढ़ेगी, कहेगी ये दुनिया कलेक्टर ये किसकी, बेटी हुई है मेरे घर में बेटी हुई है। अम्मा जरा तुम अब मुस्कुराओ, बहना मेरी तुम ढोलक उठाओ, मिलके जरा सब जश्न तो मनाओ, विपदा अब सारी मिट गई है, मेरे घर में बेटी हुई है। ऐसी ही और कविताएं सुनने के लिए बने रहिए सैलपुत्री चैनल के साथ। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।